जिले के तिरोड़ा तहसील में वड़े गांव एवं सरा गांव के बीच हुई दुर्घटना में केटा गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल कल 3 बजे करीब हुए हादसे में 2 लोगों की जगह पे और 1 की अस्पताल में इलाज दरमियान मृत्यु हो गई। केटा गाड़ी चालक चिंतामन रहांगदाले सभापति कृषि उत्पन्न बाजार समिति की गाड़ी थी, जिससे यह हादसा हुआ है, जिसमें रहांगदाले भी जख्मी हुए, उनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों को मारने पर उन पर कार्रवाई करने एवं आर्थिक मदद देने की मांग मृतकों के परिजनों ने की है। कल जो दुर्घटना हमारे यहाँ घटी है, ये सर्रा से आगे करीब गाँव के जो तीन हमारे नागरिक थे आदिवासी गोंड समाज के, उनमें 2 कोडोबर्रा से थे, 1 मंगजर से थे। वो अपने आ रहे थे 2-व्हीलर से, और यहाँ के बाजार समिति के संचालक और भाजपा के एक बड़े नेता है चिंतामन जी रहांगदाले, इनके कोई फैमिली में शादी थी ससुराल में, शादी में कुछ उनका अनबन हुआ, अनबन का वहाँ से मूड खराब होकर वो निकले और इतने ताव से निकले कि उनको इस बात का ही भान नहीं रहा कि हम रस्ते पर चलने वाले व्यक्ति को हम के ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दी, और उनके कल के उस आवेश की वजह से 3 परिवार की जान गई, मतलब सिर्फ 3 परिवारों की जान गई, उनके ऊपर डिपेंडेंट उनका बीबी होंगे, उनके बच्चे होंगे, अगर 1 परिवार के 4 लोग भी गए तो ये 4 से 12 लोगों की जान आज एक साथ गई है। ऐसा खराब कृत्य उनके हाथों से हुआ है। अब वो एक्सीडेंट करार दो या कोई भी करार दो, पर जो हुआ उसके बाद यहाँ के उस परिवार को, पूरे उस समाज को न्याय मिलना चाहिए, हमारी मांगनी है। हमारी मांगनी है कि वो बहुत बड़े आदमी है, बाजार समिति के सभापति है, कई सालों से बड़े नेता पद पर रहे हैं, उनके लिए पैसा बड़ा बात नहीं है। बड़ा मन करके उनके परिवार ने, ये छोटे परिवार के जो लोग गए हैं बेचारे, इनको 5-5 लाख की व्यक्तिगत मदद उन्होंने भी करनी चाहिए। हम हमारे सरकार से भी दरखास्त करेंगे, हम केंद्र सरकार को भी दरखास्त कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक्सीडेंट में गए हुए कुछ बच्चों का, मेडिकल के बच्चों का जो मुआवजा के तौर पर 2-2 लाख का घोषणा किया था, वही घोषणा हमारे इन गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र सरकार ने करना चाहिए। ऐसी हम विनंती आपके इस मीडिया के माध्यम से सरकार से भी करते हैं। और दूसरा, हम थोड़ा प्रशासन को, यहाँ के स्थानिक डॉक्टर्स को भी वो एक ये दे आदेश दे कि कल जो वाकयात हुआ वो सही नहीं हुआ है। देखा जाए तो उनमें से 1 आदमी के अंदर जान थोड़ी बची हुई थी, अगर वो पहले ध्यान उस पर देते तो शायद वो बच भी सकता था, लेकिन वैसा न करते हुए पहले यहाँ से रेफर उनको चिंतामन जी को गोंदिया रेफर किया गया, वो भी KTS में नहीं किया गया, उनको प्राइवेट में किया गया। वो हमारी इच्छा थी कि वो सरकार में जाना चाहता, उन्होंने तो सरकार में जाते तो एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ती है और उनको वो फिट है कि नहीं फिट मालूम पड़ता। आज कानून के दायरे में वो अनफिट घोषित किए जा रहे हैं और वो अनफिट होने के कारण पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, पुलिस प्रशासन की प्रॉब्लम हो रही है अभी, इसलिए उनको तुरंत फिट है वो कुछ नहीं हुआ है, उनको सिर्फ काच वाच गड़े हाथ को, वो थोड़ा बैंडेज करके उनको घर लिया जाए और उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। ये दबाव आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन पे बनाइए, हम भी हमारे तरफ से बना रहे और हमारे आदिवासी गोंड समाज को न्याय मिले, इसके लिए आपको कृपया सहयोग करें, धन्यवाद। ये दुर्दैवी घटना घटली ते अशी कुणासोबत घडू नये, परंतु जी घटना घडलेली आहे की गरीब लोक आदिवासी लोक आहेत जे देशाची गावाची रक्षा करतात, जल जंगल जमीनची रक्षा ज्यांच्या हस्ते होते, तसा माझा गोरगरीब समाज हा आदिवासी समाज असल्यामुळे यांना शासनाने यांना त्वरित निधी दिला पाहिजे। 5-5 लाख रुपये केंद्र शासनाने 5-5 लाख रुपये दिले पाहिजे, महाराष्ट्र शासनाने 5-5 लाख रुपये दिले पाहिजे, आणि ज्यांच्या हातून हा घडलेला आहे गुन्हा त्यांनी यांना प्रथमतः मदत केली पाहिजे, यांनी सुद्धा 2-2 लाख 5-5 लाख रुपये त्या परिवाराला दिलं पाहिजे, कारण की आज जे घरचे चालक होते मालक होते ते मरण पावले, म्हणजेच त्यांच्या परिवारामध्ये कोणी शिक्षित नाही, सुशिक्षित नसल्यामुळे कुठं रोजगार नसल्यामुळे त्यांना आज उपासमारीची पाळी आलेली आहे। आणि आपलं म्हणणं असं आहे की ज्यांच्या हातून हे घडलेलं आहे कृत्य त्यांनी स्वखुशीने स्वीकार करून त्यांना त्वरित रुपयाची आता ज्यान तर अनुसकत नाही, परंतु पैसे देऊन त्यांना एक सांत्वना देऊन त्यांना मदत केली पाहिजे। आणि माझी विनंती अशी आहे की या क्षेत्रातील आमदार खासदार असतील त्यांनी त्या घरी ज्या लोकांचे मृत्यू झालेले आहे त्यांच्या घरी प्रत्यक्षात मुलाखत घेऊन त्यांची सांत्वना घालणे हे गरजेचे आहे। आणि जर हे लोक आमच्या गोरगरीब शेतकरी मजूर वर्गाला म्हणजेच आदिवासी समाजाला मदत करणार नाही तर आम्ही सर्व मिळून या ठिकाणी न्याय मागण्याकरता आंदोलन स्थापित करू आणि आपल्या हक्काच्या हक्क आपण याला मिळवण्याचा प्रयत्न करू। जनता आमच्या पाठीशी आहे, गरीब लोक आमच्या पाठीशी आहेत, त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे ही आमची भूमिका राहील। जगदीश बावनतळे, जिल्हा पंचायत सदस्य गोंदिया, ये कल जो ह्या हादसा हुआ, जो ये दुर्घटना हुई, तो ये मेरे क्षेत्र के 3 लोगों का, मंगेजरी का 1 और कोडोबरा के 2, जहाँ बाप और पिता और पुत्र का मौत हुई। ये दुर्घटना में यहाँ के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति चिंतामन जी रहांगदाले ये शराब पी करके बहुत जोर जोर से अपनी 4-व्हीलर से चला रहे थे, और पीछे से आगे इनकी जो बाइक थी तो पीछे से बहुत बड़ी धड़क दे करके
ये तीनों का इनने यानी अपघात में इनका मृत्यु हो चुका है। इसमें बहुत लापरवाही से इसने अपनी फोर व्हीलर चला करके ये आदिवासी समाज के लोगों का इसने मर्डर किया है, कत्ल किया है, इसलिए इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मृतक आत्मा के लिए इनके खुद उसके तरफ से 5-5 लाख रुपए इन्हें देना चाहिए, ये हमारी मांग है। वैसी महाराष्ट्र शासन को भी हमारा कहना है कि ये राज्य के लोग रहने से भी आदिवासी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए महाराष्ट्र शासन ने भी उन लोगों को मदद करना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए। वैसा केंद्र से भी मेरा सवाल है कि ये जो आदिवासी समाज के लोग जो है ये बहुत गरीब पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनको भी भारत सरकार ने आर्थिक मदद करना चाहिए। और ये सब होने के बावजूद अगर ये हमारी मांगना जो है ये मान्य नहीं हुई तो आदिवासी समाज के तरफ से, गोंड समाज के तरफ से तिरोड़ा में एक जन आंदोलन किया जाएगा और समाज को न्याय मिलना चाहिए, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। विनाराम टेकाम, मी राहणार मंगेझरी। माझे वडील आणि माझे काकाजी आणि त्यांचा मुलगा हे लग्नाची तारीख ठरवण्यासाठी कुडलेवाड्याला गेले होते। ते गेल्याच्या नंतर ते तारीख वगैरे ठरवून झाल्याच्या नंतर ते परत रिटर्न येत होते। रिटर्न येताना ते सर्राला चिंता म्हणजे रांगडाले यांच्या गाडीने आमचे वडील आणि काकाजी हे येत असताना यांच्या गाडीला फोर व्हीलरनी धडक दिले। ह्या धडकमध्ये माझे वडील, माझे काकाजी आणि माझे भाऊ हे तीनही मृत्युमुखी पडले। मला शासनाकडून जे मृत्युमुखी पडले माझे वडील वगैरे ते माझे घरचे मुख्य होते, त्यांच्यामुळे आमचा घर वगैरे चालत होता। आता ते मरण पावले त्याच्यामुळे आम्हाला शासनाकडून आर्थिक मदत म्हणून 5 लाख किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पण मिळाली तरी आम्हाला समाधानकारक वाटेल। BCN न्यूज के लिए तिरोडा से स्वप्नेश सहारे की रिपोर्ट।